सो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपना न्यू पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करना चाहते हैं तो कितना खर्च आने वाला है, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे पहले पासपोर्ट अगर आप अपना न्यू बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आपके पास रहेगा तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आता है, आपके पास कोई भी तीन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। इन सभी में से कोई भी आपके पास तीन डॉक्यूमेंट्स है तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको मार्कशीट कंपलसरी है, आप चाहें आठवीं की मार्कशीट लगाएं और आप चाहें दसवीं की मार्कशीट लगाएं। अगर आप आठवीं की मार्कशीट लगाते हैं तो आपका पासपोर्ट ECR बनेगा, और अगर आप दसवीं की मार्कशीट लगाते हैं तो आपका पासपोर्ट नॉन ECR बनेगा। अब इन दोनों पासपोर्ट में डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो मैं किसी और वीडियो में इसको कवर करूंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है और नॉन ECR के क्या फायदे हैं और ECR के क्या नुकसान हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं फी कैलकुलेट करके कि आप कौन सा पासपोर्ट बनाते हैं तो कितना खर्च आने वाला है। आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं फी कैलकुलेट करके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे आपको न्यू टैब ओपन कर लेना है। और यहाँ पे मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो अपने फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है पासपोर्ट सेवा। आप जैसे ही पासपोर्ट सेवा सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वाली लिंक मिलेगी पासपोर्ट सेवा की, ORG2.passportindia.gov.in, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप विंडो आ रही है, इसे हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग लॉगिन, चेक एक्सेप्टेबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैक एप्लीकेशन दिया गया है यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास अकाउंट है तो भी कोई बात नहीं है, नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली न्यू रजिस्टर या फिर एग्जिस्टिंग लॉगिन दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा फी कैलकुलेटर का, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन का जो दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको फी कैलकुलेटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फी कैलकुलेटर पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्क्वायर स्क्वायर डब्बे जैसे दिए गए हैं, आपको यहाँ पे क्लिक कर करके देखना है कि कितनी फ़ी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमें नया पासपोर्ट बनाना है तो कितना खर्चा आने वाला है। तो यहाँ पर हम पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर टाइप में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर फ्रेश, अगर आप नया के लिए फ़ी कैलकुलेट करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट का जो एज दिया गया है, यहाँ पे आप 15 ईयर के अगर अंदर का हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट में क्लिक कर सकते हैं, अगर आप 18 से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे 18 ईयर एंड अबव, आप 18 से ज़्यादा हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपको कितने पेज का आपको पासपोर्ट चाहिए, यानी आप यहाँ पे दिया गया है दो ऑप्शन, 36 पेज और 60 पेज। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 36 पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। तो नॉर्मल पे हम सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद फी कैलकुलेटर पे क्लिक करके देख लेते हैं कि कितना फी आती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप नया पासपोर्ट बना रहे हैं, आप 18 ईयर से ज़्यादा हैं और 36 पेज का यानी 36 पन्नों का आप अगर अपना पासपोर्ट बना रहे हैं जो कि नॉर्मल में होगा, तो यहाँ पर आपको फ़ी लगेगी 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये में पासपोर्ट बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 36 पेज से ज़्यादा हमें 60 पेज का चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल में ही चेक करेंगे, फी कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो 500 रुपये और ज़्यादा हो जाएंगे, यानी आप 60 पेज का आप अपना पासपोर्ट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2000 रुपये लगने वाला है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यही 60 पेज में अगर हम तत्काल में बनाते हैं तो कितना लगने वाला है। हम यहाँ पर तत्काल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 60 पेज का अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं जो कि तत्काल में, तो ये आपको 4000 रुपये लगने वाला है।
और ये तत्काल आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे आप चाहें रिन्यूअल के लिए, तो मैं आप ये देख सकते हैं रिन्यूज कर दिया गया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके बाद आप अगर 18 ईयर का हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 ईयर आप आपका सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 18 से नीचे हैं या फिर 15 से 18 के बीच में हैं तो आप 18 के बीच में हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 18 ईयर का सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसके पहले आपका पासपोर्ट था तो वो डैमेज हो गया है या फिर गुम हो गया है या फिर एक्सपायर हो गया है, आपको यहाँ पे एक रीज़न देना होगा। तो ये जो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ वैलिडिटी एक्सपायर का, हम यहाँ पे वैलिडिटी एक्सपायर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद 36 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम इसे नॉर्मल कर लेंगे और फी कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप रिन्यूअल भी कराते हैं तो आपको 1500 रुपये ही लगने वाले हैं 36 पेज के। अगर यही हम इस जगह पे 60 पेज कर देते हैं और नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो आपको 2000 रुपये लगने वाले हैं। और इसी को अगर हम यहाँ पे तत्काल में चेक करते हैं तो यहाँ पे 4000 रुपये लगने वाले हैं। आइए दोस्तों, अगर आप रिन्यूअल कराते हैं तो या फिर फ्रेश न्यू पासपोर्ट बनाते हैं तो दोनों में सेम आपके खर्चे लगने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन पासपोर्ट बनाया जाता है, इसका एप्लीकेशन कैसे फिल किया जाता है, अगर आपकी भी रिक्वायर्ड है तो नीचे वीडियो सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे पासपोर्ट खुद से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो दोस्तों, फाइनली आज की इस वीडियो में बस यही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।